फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बैकबेंचर्स। कॉन्सेप्ट जहां हम सीखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर टाइप के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में, जो कि आपको काम आने वाला है आपकी डेली और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लाइम। लाइम क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या काम आता है, कैसे बनता है, हम सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। Lime. So what is lime? Lime is obtained by the calcination of the limestone, which is calcium carbonate. So जब हम calcium carbonate को इतना गर्म करते हैं कि वो थोड़ा लाल हो जाए, मतलब redness, मैं आपको calcination की एक definition बता रहा हूँ। So जब हम उसे redness तक गर्म करते हैं, heat करते हैं, तो हमें क्विक लाइम या फिर नॉर्मली हम उसे कह सकते हैं लाइम मिलता है, जिसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है CaCO3। जब इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O हमें मिलने वाला है। सो नाउ नेक्स्ट, द लाइम विच इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम स्लेकिंग ऑफ प्योर लाइम इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है जब हम प्योर लाइम को जब उसकी स्लेकिंग होती है। स्लेकिंग हमारे पास क्या होती है, स्लेकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच क्विक लाइम रिएक्ट्स विद द वाटर, मतलब कि CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें CaOH2 मिलता है, मतलब स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम को क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी काम में लेना, मतलब जितना ही फ्रेश होगा हमारे लिए उतना ही बेटर होगा, क्योंकि टाइम के साथ क्या करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने की, और अपने आप में कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो फिर ये यूज़ करने के लायक नहीं, मतलब सूख जाता है एक तरीके से, वापस ये एक लाइमस्टोन बन जाएगा ये, जो कि CaCO3 होता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम। नाउ हमारे पास लाइम के चार कंस्टिट्यूएंट हैं। पहला है क्ले, दूसरा है सिलिका, तीसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड द फोर्थ वन इज सल्फेट। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, क्ले। क्ले हमारे पास 8-30% हम इसे यूज़ करते हैं, और ये हमारे लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब हाइड्रोलिसिटी क्या होती है कि पानी के अंदर भी सेट होना, अपनी स्ट्रेंथ गेन करना, ये सारी चीज़ें करना ही हाइड्रोलिसिटी कहलाती है। सो नेक्स्ट सिलिका। सिलिका क्या करती है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये सारी बनाती है, और ये सब भी हाइड्रोलिसिटी ही हमारे पास इम्पार्ट करते हैं, किसमें, लाइम के अंदर। थर्ड वन इज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये क्या करता है, लाइम को स्लो सेट कराता है, और अगर इसकी प्रेजेंस 30% से ज़्यादा हो लाइम के अंदर, तो ये भी हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। इवन इफ़ हमारे पास क्ले लाइम में प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये एज अ हाइड्रोलिसिटी कंटेंट हमारे पास मिल सकता है। नाउ द लास्ट वन इज सल्फेट। सल्फेट क्या करता है कि सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है, मतलब सेटिंग टाइम ड्यूरेशन को ये डिक्रीज करता है। अब देखिए, सल्फेट एक तरीके का टाइम इंक्रीज करने वाला था सीमेंट के अंदर, बट यहाँ लाइम के अंदर ही टाइम को, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज अ कन्फ्यूजिंग थिंग, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ लाइम। टाइप्स ऑफ लाइम क्या क्या होते हैं, तीन टाइप के हमारे पास मेनली लाइम होते हैं। फैट लाइम, जिसे हम प्योर लाइम, रिच लाइम और भी काफ़ी सारे नाम में कहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम एंड पुअर लाइम। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फैट लाइम से, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो क्या होता है, इसमें प्योर लाइम स्टोन होता है, मतलब 90% लाइम और 5% क्ले इम्प्योरिटीज़ होती है, परफेक्टली वाइट इन कलर होता है, और वाइट वॉशिंग जैसी, जैसे बिल्ड अप वो वाइट पुट्टी जो होती है जैसे हमारी, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में लाइम 72-90% होता है, क्ले इम्प्योरिटीज़ होती है 8-30% बची हुई, और ये वाइट नहीं होता है परफेक्टली, हल्का सा इसमें पीलापन होता है, हाई स्ट्रेंथ देता है, और मैसनरी में यूज़ करता है, हमने देखा होगा चूने की काफ़ी सारी चीज़ों को। नाउ लास्ट पुअर लाइम। पुअर लाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, मोर देन 35% इसमें इम्प्योरिटी होती है, पेल वाइट कलर होता है, ना इसमें स्ट्रेंथ होती है, ना ये कलर अच्छा देता है, तो हम इसे किसी भी टाइप के वर्क में यूज़ नहीं करते हैं। सो इट इज़ टोटली यूज़लेस।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक लाइम जो खत्म होता है। ऐसे ही और टेक्निकल मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने बैक बेंचर के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।